नमस्कार, निर्मल स्मार्ट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिनी पोर्टेबल वॉशिंग मशीन, जो फोल्ड होने के बाद 10 सेंटीमीटर की हो जाती है, जिसे आप सूटकेस में डालकर कहीं भी कैरी कर सकते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं या जो कॉलेज स्टूडेंट हैं या जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें बार बार कपड़े धोने की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए यूज़फुल प्रोडक्ट है। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है ये। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे नए नए गैजेट आपके लिए लाती रहती हूँ। ये है मिनी पोर्टेबल वॉशिंग मशीन, जो एक ब्राउन बॉक्स में आई है। चलिए इसे ओपन करते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह का मटेरियल है, कितनी कैपेसिटी है, कितने कपड़े धो सकते हैं और कितनी हैंडी है। ये फोल्डिंग वॉशिंग मशीन बबल रैप में आई है। ये इसका ड्रायर यानी स्पिन बास्केट और ये इसका अडोप्टर। ये इसकी बुकलेट है जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है। ये मुझे 2 पीस में फटा हुआ मिला है। इसका कलर बहुत अच्छा है, ये काफ़ी कलर में अवेलेबल है। इसके बॉक्स में एक ब्लैक कलर की फिरकी सी मिली है। अडोप्टर की वायर भी काफ़ी लंबी है। ये वॉशिंग मशीन की लीड है। इसके साइड में ऑरेंज कलर का हैंडल लगा हुआ है इजली उठाने के लिए। ये एक लाइट वेट मशीन है। ऊपर और नीचे अनब्रेकेबल प्लास्टिक लगी हुई है, बीच में सिलिकॉन लगी हुई है, जहाँ से इसे हम आसानी से ओपन और फोल्ड कर सकते हैं। ओपन करने के लिए एक हाथ को बीच में रखें और दूसरे हाथ से ऐसे ओपन करें तो ये आसानी से खुल जाती है। एक मिनी बकेट वॉशिंग मशीन, जिसे आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। बकेट मिनी वॉशिंग मशीन के साइड में ये पानी निकालने के लिए नॉब दी गई है। ये चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पर आप अडोप्टर लगाकर कपड़े वॉश कर सकते हैं। मशीन के नीचे ये 4 रबड़ दिए गए हैं, जिससे मशीन कपड़े धोते हुए हिलती नहीं। ऊपर से ये अनब्रेकेबल प्लास्टिक लगी हुई है, बीच में सिलिकॉन है। इसे ऐसे दोनों हाथों से फोल्ड करके रख सकते हैं, ये ज़्यादा जगह नहीं लेती है। काफ़ी अच्छी मटेरियल की बनी हुई है। इसकी कैपेसिटी 2 kg की है। आप इसे ऐसे हैंडल से पकड़ कर भी इसे ओपन कर सकते हैं, आसानी से ओपन हो जाती है। ये छोटा सा ड्रायर यानी स्पिन बास्केट, इसको लगा कर दिखाती हूँ। क्लॉकवाइज घुमाने पर ये आसानी से सेट हो जाता है। ये चार्जिंग पॉइंट, इसमें ऐसे आप चार्जर लगाकर इसे चला सकते हैं। ये मशीन बहुत ही कम्पैक्ट है, इजी टू यूज़ है, लाइट वेट है और कम जगह लेती है। इसे आप किसी भी ड्रॉर में कपबोर्ड के नीचे रख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 2 kg की है। चलिए बताती हूँ मिनी वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है। मशीन पर ये पुश बटन दिया गया है, ये इसी से वर्क करती है। मशीन को ऐसे 2 सेकंड दबाने से स्टार्ट हो जाती है और 2 सेकंड दबाने से ही ये ऑफ हो जाती है। अगर हमें ऐसे 1 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट का टाइम सेट करना है तो इसे टच करके छोड़ दें। तो देखिए 5 मिनट पर रेड लाइट शो हो रही है। एक टच करके आप टाइम सेट कर सकते हैं। ऑफ़ करने के लिए 2 सेकंड टच करना है। चलिए कपड़े वॉश करके दिखाती हूँ आप कितने कपड़े धो सकते हैं। मशीन में हमने पानी डाल दिया है। मशीन को हमें ज़्यादा नहीं भरना है, ओनली सिलिकॉन वाले पार्ट में थोड़ा पानी का लेवल कम ही रखना है। इस मशीन में आप लिक्विड या पाउडर दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। मशीन को स्टार्ट कर दिया है ताकि ये आसानी से घुल जाए। इसमें मशीन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से घूमती है। अब इसमें कपड़े धोते हैं। ये मैंने बेटे की एक टी शर्ट डाली है, देखिए कितनी अच्छी तरह से घूम रही है। मैंने सोचा चलो स्पेस है, चलो एक और टी शर्ट डाल देती हूँ, शायद थोड़ा लिक्विड भी ज़्यादा हो गया है। देखिए दूसरी टी शर्ट डालने पर ये देखिए अच्छी तरह से घूम नहीं रही है, बीच बीच में रुक रुक कर चल रही है। मुझे टी शर्ट निकालनी पड़ी। बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है इस मशीन की। ढक्कन बंद करके आप इसकी आवाज़ को नाक के बराबर कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 पेयर सॉक्स के डाल दिए हैं, सोचा साथ ही वॉश हो जाएंगे।
5 मिनट के बाद देखिए मशीन बंद हो गई है, कपड़े वॉश हो गए हैं, कपड़े निकाल लिए हैं, लिक्विड ज़्यादा था तो मैंने बाद में दूसरी टी शर्ट भी वॉश कर ली है। ड्रेन लिड को ओपन करके पानी निकाल दिया है, आप बाल्टी उठाकर भी पानी को गिरा सकते हैं। ये फोल्डेबल बकेट वॉशिंग मशीन, इसमें आप सॉक्स अंडरगारमेंट्स भी धो सकते हैं, कोई नया ड्रेस आप अलग धोना चाहते हैं तो धो सकते हैं। इसमें आप बच्चों के छोटे छोटे कपड़े धो सकते हैं, इसे बच्चे भी हैंडल कर सकते हैं। फोल्ड होने के बाद इसका साइज 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। ये आपकी कबर्ड के नीचे वॉशरूम में आसानी से आ जाती है। कपड़ों को साफ पानी से खंगाल लिया है, अब इसे ड्रायर करते हैं। ड्रायर को क्लॉकवाइज लगा दिया है, अब इसमें हमने कपड़े डालकर 5 मिनट टाइम तक सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं ड्रायर होते हुए, ड्रायर करते हुए ड्रेन लिड ओपन करके रखें। आप लिड को ढककर भी ड्रायर कर सकते हैं। इसका ड्रायर बड़ी मशीन की तरह काम नहीं करता है, पर अपनी साइज के अकॉर्डिंग ठीक है। इसमें आप एक बार में एक टी शर्ट या एक जीन्स धो सकते हैं। आप इसमें किचन टॉवल, किचन नैपकिन धोने के लिए आप इसे किचन में रख सकते हैं। अगर आपके पास कान्हा जी हैं तो उनके ड्रेसेस अलग से धोने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका प्राइस जानना चाहते हैं इसे या कम कीमत में ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।